दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में बहुत ही बड़ी भर्ती आई है। टोटल 3200 अराउंड वैकेंसी आई है, तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या वैकेंसी है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। उससे पहले हमारे चैनल पर पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि मैं यहाँ पे डेली गवर्नमेंट न्यूज और रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेबसाइट गवर्नमेंट राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस नॉन टेक्निकल पोजिशन। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन करके आएगी। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट निकली है, डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जूनियर लीगल ऑफिसर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको ओपन होगी, दो विंडो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन कौन से फील्ड के लिए हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिटेल एडमिशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए इसको जो रिक्वायरमेंट निकली है उसमें जो फील्ड है वो है एक डिफरेंट उनके अपने डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये फील्ड है। तो उसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है यहाँ पे देख ले रहे होंगे डिटेल ऑफ वैकेंसी, जो अकाउंट ऑफिसर है पर्सनल ऑफिसर है तो उसमें टोटल जो वैकेंसी है 27 है, 42 है। बट आप इसमें आएंगे तो दूसरे पोजीशन में यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी सब मिला के है वो 3200 के अराउंड है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए राजस्थान में। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है, उसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 67 है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर लीगल ऑफिसर, जो टोटल वैकेंसी 48 है। उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट, जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 812 है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर, उसमें 114 है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैकेंसी है 2110 है। तो ये सब मिला के वैकेंसी जो है वो 3200 के अराउंड है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसका पे स्केल क्या है। जो पे स्केल है वो 37,000 के अराउंड है, तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ पे आप हर एक पोस्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए मस्ट बी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट अलोंग विद। तो आप जिसके अकॉर्डिंग जहाँ पे फिट बैठते हैं वैसे अकॉर्डिंग वही पोस्ट को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फॉर्मेट से होगा, कोई ऑफलाइन फॉर्मेट नहीं है। एंड फिजिकल फिटनेस यहाँ पे लिया जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल और बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम द एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट लाइट बी इंटरफेस विद एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी एज द मेंबर ऑफ द सर्विसेज। मीन्स आपको कुछ ज़्यादा हाइट उठ का यहाँ पे नहीं है, आप बेसिक फिट होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई विकलांग नहीं होना चाहिए। तो इसी टाइप का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। जो एज है वो है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अटेंड द एज 43 ईयर्स। जो मैक्सिमम एज है वो 43 ईयर्स है। और यहाँ पे जो भी कोटा में मिलता है आपको वो पूरी छूट मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वर्क करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए। ये अलग अलग वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ वेबसाइट एक ही नोट डाउन कर ली, energy.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई, यहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।